दवाई के नाम पर नशे का गोरख धंधा करने वाले दो लोग रोहतक पुलिस की गिरफ्त में हैं। रोहतक पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर खांसी की दवाई से नशा करने वाली दवाइयों की एक बड़ी खेप को गोहाना अड्डे से पकड़ा है। हिरासत में लिए गए ये दोनों लोग गोहाना अड्डे पर ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। फिलहाल ये मेडिकल स्टोर स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। मेरे पास मनोज वर्मा जी का फोन आया था कि हमने एक विनकरेक्स जो कि जिसमें कोडीन फॉस्फेट होता है दवाइयों की एक बड़ी खेप पकड़ी है, तो आप मौके पे आ जाएं। मैं मौके पे गया तो वहाँ पे देखा मैंने 500 प्रकार की 500 बोतलें जो इन्होंने विनकरेक्स की पकड़ी हुई थी। नशे के सौदागर युवाओं को अपना शिकार बनाते थे। 500 कफ सिरप की बोतलें पकड़ी गई हैं। पकड़ी गई कफ सिरप की बोतलें, इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप की बोतलें रखना बैन है और डॉक्टर की सलाह पर ही इसे दिया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहतक से आरती पांडे के साथ प्रवीण कुमार धनखड़, नवोदय टाइम्स।